रुद्रप्रयाग में जिला निगरानी की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विकास की योजनाओं पर जिला अधिकारियों को फटकार लगाई। शिक्षा मंत्री का कहना है कि यदि समय से काम नहीं होता तो अफसरों पर कार्रवाई होगी। जिले के प्रत्येक विकास खंड में एक गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, जिसमें कई योजनाओं को शामिल भी किया जाएगा। सबसे पहले अपने लोकप्रिय सांसद माननीय प्रभु जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि किन्हीं कारणवश आज इस बैठक में नहीं पाए, तो उन्होंने मुझे अधिकृत किया था और मुझे भी काफ़ी योजनाओं को सीखने को और समझने का अवसर मिला है। 29 योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिलों में चलाई जा रही है। वहीं बैठक में पहुंचे कांग्रेस केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने कहा कि बैठक की सूचना हमें नहीं थी, इस बात को लेकर नाराजगी थी। आगे से जितनी बैठक हो उसकी जानकारी एक हफ्ते पहले दी जाए, जिससे उस विषय पर अच्छे से चर्चा हो पाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।